Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, welcome back to my channel. और आज हम लोग हैं कान में, कार से मैं अपना ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट कर रही हूँ. और हम लोग अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता है आपको? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? एक थोड़ा मॉल. हाँ, मॉल तो जाने वाले हैं अगर टाइम मिला तो. उससे पहले हम लोग जाएंगे हाँ इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं हम लोग. और बहुत दिन सोच रहे थे, मतलब बहुत दिनों से सोच रहे थे जाने के लिए, लेकिन आज तो वही बोलते हैं ना कि मतलब भगवान से मिलने के लिए आप मतलब चाहो तो नहीं जा, मतलब आपके जाने से कुछ नहीं होता है. वही वही तो वही हम लोग जा रहे हैं. तो चलिए, एक्चुअली अभी टाइम हुआ है 3:30 और वहाँ जाने में थोड़ा सा मतलब हमारे घर से तो थोड़ा टाइम लगता ही है वैसे, और अगर फिर ट्रैफिक भी आ गया तो फिर थोड़ा टाइम फिर से बढ़ जाता है. मतलब एक तो बहुत दूर है, उसके बाद अगर ट्रैफिक तो मिलने वाला ही है क्योंकि आज है सैटरडे. तो चलिए देखते हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ रहिए. क्या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को. तो इसके लिए सबसे पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और साइड में जो बेल बटन आता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए. और हाँ, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, चलो अंदर चलते हैं. तो दोस्तों, ये रहा बैंगलोर की इस्कॉन मंदिर. और इसके आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसके आगे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. और सबसे ऊपर का जो चूड़ा आप देख रहे हो वहाँ पे है भगवान जी के असली मंदिर, मतलब भगवान जी की मूर्ति वहाँ पे रहते हैं. तो कुछ नियमों के कारण यहाँ पे फोटोग्राफी बंद किया गया है और मैं इसका नियम तोड़ना नहीं चाहती हूँ. तो यहाँ पे नीचे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे शॉप है जहाँ से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो और बहुत सारे खाने की शॉप भी है जहाँ से आप कुछ खा भी सकते हो. तो ये है मंदिर के नीचे का हिस्सा जहाँ पे आप थोड़ा सा घूमने की जगह. और वहाँ से निकलने के बाद आपको मिलेगा प्रसाद. प्रसाद खिचड़ी प्रसाद होता है. मैं जब भी आती हूँ मुझे ये प्रसाद बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है. मैं कभी नहीं, मतलब मिस करना नहीं चाहती हूँ इसको. तो ये प्रसाद मुझे बहुत पसंद है. और ये है मंदिर की बाहर की नज़ारा जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. ये जो छोटा सा झील आप देख रहे हो इसको अच्छे से मतलब फ्लावर से सजाया गया है. और वहाँ पे जो बोट्स मतलब टाइप का जो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. मतलब मन को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके. हम लोग अंदर भी थोड़ी देर बैठते हैं और प्रसाद खाने के बाद यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी देर मतलब खड़े रहते हैं. ये जगह भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है.
तो अभी हम लोगों का दर्शन हो चुका है और अभी अतनु गया है थोड़ा बाहर और हम लोग गाड़ी में बैठे हुए वेट कर रहे हैं उसका। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी गाड़ी के अंदर हम लोग हैं और अतनु भी आ गया। तो अभी 6:10 हो गया है, क्या करना है, घर जाना है या? नहीं, नहीं, नहीं। तो 6:00 हो चुका है तो अतन उसे पूछ लेता है प्लानिंग क्या है। अमी की बारी है वो गाड़ी का बारना लोग अच्छा। तो चलिए अभी चलते हैं मॉल, सामने एक मॉल है वहां से घूम के आते। ओके तो चलिए मॉल पे मिलते हैं, आप लोग भी चलिए, आप लोगों को घुमा के ला दो। और ये मॉल हम लोग शायद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो इसीलिए हम लोगों को कुछ नहीं पता कि कैसा है कैसा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है। आगे इतनी ट्रैफिक है, बाप रे बाप, दिमाग खराब हो रहा है। हम लोग कब स्टार्ट किया है, अभी तक भी हम लोग पहुंच नहीं पाए। गाड़ी एकदम बैल गाड़ी की तरह जा रहे हैं। तो है तो ये अभी यहाँ पर अभी मेरा टू व्हीलर रहता तो मैं आराम से निकल जाता। यहाँ से थोड़ा गैप है वहां से निकल लेता, आगे जाके थोड़ा सा गैप है वहां से घुस के फिर ऐसे जाता। और यहाँ पे मेरा फोर व्हीलर में बैठा हूँ, गाना सुन रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा लग रहा है ना, एंजॉय कर रहे हैं ना? नो, आई डोंट एंजॉय। माय टू व्हीलर इज फार बेटर। टू व्हीलर मेरा बहुत अच्छा है, बोरिंग है, इसीलिए तो ऑफिस जाने के लिए सोचते भी नहीं एकदम। आप तो लक्ष्मी तो रोज बोलती है कि जाओ जाओ गाड़ी लेके जाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता। 15-20 मिनट आधा घंटे का जर्नी को मैं 2 घंटे का जर्नी नहीं बनाना। तो दोस्तों अभी हम लोग लगभग घर पहुंचने वाले हैं और बहुत रात हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना आज का ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप उसको मिस मत कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।